शिवपुरी फूड इंस्पेक्टर के आते ही नगर की बड़ी बड़ी दुकानें हुई बंद। शिवपुरी खानिया थाना में फूड इंस्पेक्टर के आते ही लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, जबकि कुछ दुकानें खुली पाई गई। फूड इंस्पेक्टर की पूरी टीम ने खुली दुकानों पर ली सैंपलिंग, कई दुकानों का सामान खराब होने पर करवाया नष्ट और आगे से ऐसा सामान ना बनाए दी हिदायत। फूड इंस्पेक्टर की टीम को जाते ही दुकानदारों ने खोली अपनी अपनी होटलें एवं किराने की दुकानें। नगर के कई दुकानदार करते हैं प्रशासन से आंख मिचौली का खेल। जब प्रशासन कार्रवाई के लिए आते हैं तो अपनी अपनी दुकानें बंद कर भाग जाते हैं, और जैसे ही प्रशासनिक टीम खानिया थाना से रवाना होती है वैसे ही अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। आखिर कब तक चलेगा यह आंख मिचौली का खेल? सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शिवपुरी से भरत साहू की रिपोर्ट। शासन द्वारा राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला अपने जिला शिवपुरी में भेजा गया है। इसमें खाद्य पदार्थों की स्पॉट पर टेस्टिंग होती है और अगर कुछ अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ जो या तो लीगल सैंपल लिया जाता है या इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाता है। अभी आपके खनिया थाना में करीब 15 नमूने इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें जिनकी अभी कुछ की जांच हो चुकी है और कुछ की जांच अभी की जा रही है। तो अभी तक एक सैंपल है जिसमें हल्का सा फूड कलर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई गई है, अन्य नमूने अभी तक सही पाए गए हैं। कितने समय तक जांच आ जाती है? ये स्पॉट टेस्टिंग है, यहाँ स्पॉट पे ही टेस्ट किया जा रहा है। सर, जो लोगों ने दुकानें बंद करके चलेगा उनको किस प्रकार की कार्रवाई? दुकानें बंद करना एक शायद अवेयरनेस की कमी है कि ये लोग, ऐसा लगता है कि कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा। अभी इन लोगों को अवेयर किया जाएगा कि दुकानें बंद नहीं करनी है, सब लोगों को साफ सुथरे तरीके से अच्छा काम करना है। धन्यवाद।